तभी वहाँ पर 6000 साल पुरानी एक चुड़ैल औरत आकर महाराज अकीम से कहती है कि नहीं नहीं महाराज, आपका एक नाजायज बच्चा है जिसको मैंने कल ही रात एक तपस्या करते हुए देखा था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद महाराज अकीम कहते हैं कि मैं मेरी बीवी पिज्जा वाली के अलावा किसी के साथ भी गुलछड़े नहीं उड़ाया तो मेरा बच्चा कहाँ से पैदा हुआ। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जामुंडा सल्तनत का राजकुमार यकीम अफ्रीका के काले लड़कियों के साथ शादी करने से मना करके गोरी बीवी लाने के लिए अमेरिका जाता है और वहाँ पर वो दर दर के ठोकरे खाने के बाद एक गोरी लड़की को पटाकर उससे शादी करता है। ये कहानी शुरू होती है उसके 30 साल बाद, जहाँ पर उनके 30 साल की मैरिज एनिवर्सरी पर उनकी तीन बेटी सनी, मिया और डैनी उन दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहने के लिए आते हैं। इसके बाद महाराज अकीम महारानी के साथ महल के बालकनी में जाते हैं और बाहर मौजूद प्रजा को हाथ दिखाकर उन्हें मैरिज एनिवर्सरी में विश करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। दूसरी तरफ अपनी बेटी के 30वीं सालगिरह पर उसके पिता भी उसे विश करने के लिए अफ्रीका में मैकडोनल्ड का एक ब्रांच खोलते हैं ताकि वो अफ्रीका के गरीब और लाचार लोगों को भी पिज्जा बर्गर खिला सके। खैर, अगले दिन महाराज अकीम अपने तीनों बेटियों के साथ युद्ध अभ्यास करने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि महाराज अकीम अभी काफी निकम्मे हो गए थे और वो लड़कियों के साथ भी हार जाते हैं। तभी वहां पर सेनापति सैमी भी आ जाता है और वो महाराज अकीम से कहता है कि महाराज आपको आपके पिता ने बुलाया है, जिसको सुनने के बाद सनी समझ जाती है कि उसके नाना जी ने उसके पिता को उसके शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है ताकि शादी के बाद सनी का हस्बैंड इस देश का राजा और सनी इस देश की रानी हो। यहाँ पर महाराज अकीम सेनापति सैमी से कहते हैं कि मैं मेरे पिता के साथ इसके बारे में पर्सनली बात करना चाहता हूँ, जिसके बाद महाराज अकीम सैमी को लेकर अपने पिता के पास जाने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग महल से होकर जा रहे थे तभी वहाँ पर बाजू वाले देश के सिपाही आ जाते हैं जिनमें से लीडर का नाम था कर्नल इजी। अब कर्नल इजी वहाँ पर आकर महाराज अकीम से कहता है कि आज से 30 साल पहले तुमने मेरी बहन के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो काली थी, लेकिन वो बचपन से ही तुम्हें चाहती थी इसीलिए वो तुम्हारे जुदाई के गम में मेंढक की तरह छलांग लगाती है और कुत्ते की तरह भौंकती है, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं मेरे बेटे सस्ते हनी सिंह के साथ तुम्हारी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ ताकि हम दोनों के बीच जो कड़वाहट है वो एक मिठास में बदल जाए। अब ये सब कुछ सुनने के बाद महाराज अकीम कर्नल इजी से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के लायक नहीं है और इसीलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, जिसके बाद कर्नल इजी महाराज अकीम को सोचने के लिए कुछ वक्त देता है और कहता है कि हम दोनों के बीच जो दुश्मनी है वो अगर रिश्तेदारी में नहीं बदलता है तो हम दोनों के बीच खून की होली खेला जाएगा। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हारे सफेद खून से कोई भी मर्द का बच्चा पैदा नहीं हुआ, और ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद महाराज अकीम सेनापति सैमी के साथ अपने पिता किंग जैफी जोफर के पास जाते हैं जहाँ पर उसके पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। यहाँ पर उसके पिता उससे कहते हैं कि जामुंडा सल्तनत का एक नियम है कि तुम्हें मरने से पहले अपने देश के सिंहासन की उत्तराधिकारी चुनना होगा, लेकिन वो उत्तराधिकारी मर्द होना चाहिए, जिसको सुनने के बाद महाराज अकीम सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उसका एक भी लड़का नहीं था बल्कि तीन लड़की थी। तभी वहाँ पर 6000 साल पुरानी एक चुड़ैल औरत आकर महाराज अकीम से कहती है कि नहीं नहीं महाराज, आपका एक नाजायज बच्चा है जिसको मैंने कल ही रात एक तपस्या करते हुए देखा था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद महाराज अकीम कहते हैं कि मैं मेरी बीवी पिज्जा वाली के अलावा किसी के साथ भी गुलछड़े नहीं उड़ाया तो मेरा बच्चा कहाँ से पैदा हुआ। इधर हम सेनापति सैमी को देखते हैं जो कि किसी चीज से डर कर वहाँ से 9-2-11 हो रहा था, पर तभी किंग जाफी जोफर उसे रोककर अकीम को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सैमी कहता है कि आज से 30 साल पहले वो और राजकुमार अकीम जब अमेरिका में गोरी बीवी लाने के लिए गया था तभी राजकुमार अकीम वहाँ पर एक भी लड़की को पटा नहीं पाया, इसीलिए सैमी ने पैसे देकर एक जंगली सुअर को अकीम के साथ मुकाला करने के लिए भेजा था। इधर अकीम को भी धीरे धीरे याद आ जाता है कि वो सुअर की तरह दिखने वाली औरत उस रात अकीम को नशे की हालत में लाकर उसका फायदा उठाया और कूट कूट कर उसका मजा लिया। अब सब कुछ याद आ जाने के बाद वो सैमी के गर्दन को पकड़कर उसे जान से मारने लगते हैं और तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि सैमी ने तुमसे ये बात इसलिए छुपाया क्योंकि वो बच्चा तुम्हारा नाजायज था। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अब क्योंकि तुम्हारा कोई जायज बच्चा नहीं है इसलिए तुम्हें वो नाजायज बच्चे को ही यहाँ पर लाकर उसे अगली राजा घोषित करना होगा। दूसरी तरफ 6000 साल पुरानी चुड़ैल औरत कहती है कि महाराज हमें जल्द से जल्द आपके नाजायज बच्चे को ढूंढकर यहाँ का राजा घोषित करना होगा, वरना बाजू वाले देश के कर्नल ईजी आपके देश के ऊपर हमला करके उसे हड़प लेंगे। खैर, इधर किंग जैफी जोफर कहते हैं कि मेरी तबीयत काफी खराब है और मैं आज नहीं तो कल टपक सकता हूँ, इसीलिए मैं अपने अंतिम संस्कार को अपने आँखों के सामने देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे अच्छी तरीके से विदा कर पाओगे। इसके बाद अगले सीन में हम
देखते हैं कि किंग जाफी जोफर तैयार होकर एक कॉफिन के अंदर लेटे हुए हैं और बाहर सभी लोग उसके मरने के दुख में जश्न मना रहे हैं। पर काफी देर तक पार्टी को एंजॉय करने के बाद किंग जाफी जोफर की उस ताबूत के अंदर ही राम नाम सत्य हो जाता है, जिसके बाद महाराज अकीम अपने पिता के याद में एक बड़ा सा पुतला बनाते हैं और अगले ही दिन एयर इंडिया के फ्लाइट से अपने नाजायज बेटे को ढूंढने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुँच कर वो देखते हैं कि वहां पर सब कुछ पूरी तरीके से बदल गया था, लेकिन एक चीज तब से लेकर अभी तक सेम था और वो था वो बाल काटने वाली दुकान। अब महाराज अकीम सेनापति सैमी के साथ उस दुकान के अंदर जाते हैं, जहाँ पर पहुँच वो देखते हैं कि वो टकला जिसका खुद का बाल नहीं था पर वो दूसरों की बाल काटता था वो अभी तक जिंदा है। यहाँ पर वो टकला कहता है कि देखो देखो जामुंडा सल्तनत का राजा यकीम हमारे इस नाई के दुकान पर पधार रहे हैं। इसके बाद वो टकला महाराज अकीम से चाय कॉफी ठंडा रम बियर पिज्जा के बारे में पूछता है, लेकिन महाराज अकीम कहते हैं कि मैं यहाँ पर खाने के लिए नहीं बल्कि मेरी नाजायज औलाद को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मुझे गर्मा गर्म न्यूज मिला है कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तभी मैंने गलती से एक बच्चे को पैदा किया था। महाराज अकीम उसे अपने बेटे की फोटो को भी दिखाता है, जो कि वो 600 साल पुरानी चुड़ैल औरत काफी दिमाग लगाकर बनाई थी। अब उस फोटो को देखने के बाद वो आदमी कहता है कि महाराज मैं इस लड़के को जानता हूँ और ये मूवी थिएटर के बाहर ब्लैक में मूवी की टिकट बेचता है। जिसको सुनने के बाद महाराज अकीम सेनापति के साथ उसे ढूंढने के लिए शहर के सभी बड़े बड़े थिएटर्स में जाते हैं और काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली अपना बेटा मिल जाता है, जिसका नाम था लेवल और वो KGF मूवी की टिकट बेच रहा था। खैर अब महाराज अकीम अपने वेशभूषा को बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आज से 30 साल पहले मैंने तुम्हारे माँ के साथ घोर तपस्या किया था और आज तुम उसी तपस्या का फल हो, इसलिए मैं तुम्हें हमारे देश जामुंडा का नया राजा बनाना चाहता हूँ। जिसको सुनने के बाद लेबल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो महाराज अकीम को अपने माँ के पास लेकर आता है। यहाँ पर हम मैरी को देखते हैं जो कि 30 सालों में थोड़ी भी नहीं बदली थी और वो अपने बेटे के सामने ये कबूल करती है कि उसका पिता और कोई नहीं बल्कि महाराज अकीम है। जिसके बाद महाराज अकीम लेबल से कहते हैं कि जामुंडा सल्तनत को तुम्हारे जैसे राजा की जरूरत है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराज अकीम के साथ महारानी पिज्जाबाली की बहस होने लगती है, क्योंकि महाराज अकीम ने महारानी पिज्जाबाली को उसके नाजायज औलाद के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी वहाँ पर उसकी नाजायज औलाद और बीबी आ जाती है और महाराज अकीम अपने फैमिली मेंबर से अपने नाजायज बेटे का पहचान करवा देते हैं। दूसरी तरफ हम बाजू वाले देश के कर्नल इजी को देखते हैं, जिसको पता चल गया था कि महाराज अकीम अमेरिका से अपनी नाजायज बेटे को राजा बनाने के लिए जामुंडा लेकर आए हैं और इसको सुनने के बाद वो कुछ सोचने लगता है। उधर रात में जब सभी लोग भोजन का आनंद ले रहे थे, तभी महारानी पिज्जा वाली लेबल से पूछती है कि तुम पहले क्या काम करते थे, जिसके जवाब में मैरी कहती है कि तुम्हें किसी को भी हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अब जामुंडा के बादशाह होने वाले हो। खैर अगले दिन 3 दासी राजकुमार लेबल को अपने साथ ले जाकर उसे अच्छी तरीके से नहलाते हैं। इसके बाद और एक दासी आकर राजकुमार से कहती है कि मैं तुम्हारे बाल काटने के लिए यहाँ पर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद राजकुमार अपने नीचे की तरफ देखता है। इसके बाद राजकुमार अपनी माँ मैरी के साथ जामुंडा सल्तनत के सभा में पहुँचता है, जहाँ पर महारानी मैरी को अपने कपड़े पहना हुआ देखकर उसके ऊपर काफी नाराज होती है। दूसरी तरफ मैरी कहती है कि हम दोनों अभी सौतन बन चुके हैं, इसलिए हम दोनों को सब कुछ मिल बांट कर खाना होगा, कपड़े और पति को भी। अब जब वो लोग वहाँ पर ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर कर्नल इजी 2 दर्जन लड़कियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। महाराज से कहता है कि मैं तुम्हें और एक मौका देना चाहता हूँ हमारे बीच जो दुश्मनी है उसे एक रिश्तेदारी में बदलने की, और इसके लिए तुम्हें मेरी बेटी जुल्फो की गोदाम के साथ तुम्हारे नाजायज बेटे का शादी करवाना होगा। दरअसल महाराज अकीम यही चाहते थे कि कर्नल इजी के साथ उसकी दुश्मनी एक रिश्तेदारी में बदल जाए, ताकि कर्नल इजी उसके देश के ऊपर हमला ना कर सके। इसीलिए वो लेबल से पूछते हैं कि क्या तुम जुल्फो की गोदाम के साथ शादी करना चाहते हो, जिसके जवाब में लेबल कहता है कि हाँ पिताजी, मैं इसके साथ शादी करने के लिए
लिए तैयार हूँ। अब ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो 6000 साल पुरानी चुड़ैल औरत भी आ जाती है और वो महाराज से कहती है कि महाराज आप क्या भूल गए कि हमारे जामुंडा देश में कोई भी अगर राजा बनता है तो उसे 3 चुनौती को पास करना पड़ता है और अगर कोई भी इन 3 चुनौतियों को पास किए बिना ही हमारे देश का राजा बनता है तो वो हमारे देश के लिए अशुभ है। इसके बाद अगले दिन महाराज लेबेल को उन 3 चुनौतियों को पास करने का तरीका सिखाता है, जिसमें पहली चुनौती थी राजा की तरह चलना, जिसमें लेबेल काफी अच्छी तरीके से पास हो जाता है। दूसरे चुनौती में लेबेल को जामुंडा सल्तनत के इतिहास के बारे में जानना होता है और तीसरे और सबसे आखिरी चुनौती में उसे शेर के शरीर से एक बाल काटना होता है, जिसको सुनते ही उसका पैंट गीला होने लगता है। तभी वहाँ पर सैनी आकर उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पिताजी के नाजायज बेटे हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस चुनौती को पास करने में मदद करूंगी। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक लकड़ी का पिंजरा बनाते हैं। अब लेबेल किसी तरीके से उस शेर को अपने पास लेकर आता है और वो खुद उस पिंजरे के अंदर घुसकर उस शेर के एक बाल को काट लेता है। इसके बाद रात में लेबेल उस बाल काटने वाली लड़की से बात करता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि कल तुम्हारी शादी है, इसलिए तुम्हें आज जल्दी सो जाना चाहिए, और ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शादी की एंगेजमेंट होती है और कर्नल इजी अपनी बालों के गोदाम को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तभी लेबेल उस बाल काटने वाली लड़की को देखकर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं बालों के गोदाम से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद लेबेल तुरंत ही उसको और अपनी माँ को लेकर एयर इंडिया के फ्लाइट से वापस अमेरिका आ जाता है। इधर महाराज अकीम को जब पता चलता है कि उसका नाजायज बेटा चामुंडा की लड़की को लेकर भाग गया है, तभी वो अगले ही दिन उसे लाने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं। इसके बाद काफी जगह ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली लेबेल मिल जाता है, जो कि उस बाल काटने वाली औरत के साथ शादी कर रहा था। यहाँ पर महाराज अकीम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आ जाता है कि उन्होंने भी अपने पसंद के लड़की से शादी किया था, इसीलिए अब वो उसे शादी करने से मना करने के बजाय उसकी पसंद की लड़की के साथ जामुंडा में शादी करने के लिए कहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराज जामुंडा में लेबेल की शादी काफी धूमधाम तरीके से आयोजन करते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल इजी भी आ जाता है और वो महाराज अकीम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस शादी के बाद जामुंडा काफी शक्तिशाली हो जाएगा। और दोस्तों इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन है वो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पिछली पार्ट की कहानी जानने के लिए आप जरूर उस वीडियो को देख लेना। जिसके बाद वहाँ पर काफी धूमधाम से लेबेल की शादी होती है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।